एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे द फ्लेवर कॉर्नर पे। लोहरी और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। इसी मौके पे मैं आज बनाने वाली हूँ तिल के लड्डू। इससे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन में हम तिल ले लेंगे 500 ग्राम। 5 मिनट तक हमको तिल को ब्राउन होने तक भूनना है, उसके बाद मैं निकाल दूंगी। फिर उसी पैन में मैंने 300 ग्राम गुड़ डाला है और उसको मैंने कम फ्लेम पे अच्छे से मेल्ट होने दिया है। आपको गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है, बिल्कुल डंठल नहीं रहने चाहिए उसमें। जैसे ही आप देखोगे गुड़ में बबल्स आने लगे हैं, उसके बाद जो हमने तिल भूनी थी हम उसमें डाल देंगे। अच्छे से डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। सारी प्रोसेस आपको लो फ्लेम पर करना है, हाई फ्लेम पर आप करोगे तो आपका गुड़ भी जल सकता है, तिल भी जल सकता है, इससे हमारे लड्डू का स्वाद ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच घी, उसको डाल के हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और मैंने हाथों पे थोड़ा सा पानी लिया और थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे और लड्डू का शेप बनाएंगे। आपको ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है क्योंकि हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत गर्म होता है। जैसे ही मिक्सचर बन जाएगा हम उसको तुरंत जो ड्राई तिल होती है, भुनी हुई तिल, हम उसमें कोट कर सकते हैं। लीजिए, हमारे टेस्टी लोहरी और मकर संक्रांति स्पेशल लड्डू तैयार हैं। आप भी ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।